हे गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं आई हुई थी अभी डॉक्टर के पास क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी लोग बोल रहे हैं कि चले जाओ एक बार डॉक्टर के पास, मिल लो क्या बोलते हैं। तो बस उन्होंने बोले कि बस आप डिप्रेशन में कुछ ज़्यादा ही टेंशन लेके बैठी हुई हैं इसलिए आपका तबीयत ख़राब हुआ है, बाकी आराम से रहिए, मस्त रहिए। और जो उन्होंने मेडिसिन मुझे प्रिस्क्राइब किया है बस वो मुझे खाना है, बट उसमें से एक मेडिसिन मुझे नहीं मिला है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेडिकल स्टोर है वहाँ 2-3 मेडिकल स्टोर है जहाँ पे मैं गई, बट वो मेडिसिन मुझे नहीं मिला। तो अभी मैंने किया है रैपिडो, वो आ रहे होंगे। अगर रास्ते में मुझे और मेडिकल स्टोर मिल जाता है तो फिर मैं देखती हूँ, अगर मेरा मेडिसिन मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फेस से तो पता ही चल रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं सोच रही हूँ ये पंजाबी किंग ढाबा है, यहाँ पे जाके कुछ खा लेती हूँ, लेकिन जो रैपिडो वाले आ रहे हैं उनका बस 2 मिनट का टाइम बता रहा है, तो या तो मैं खा ही लूँगी नहीं तो रैपिडो से चली जाऊँगी। लस्सी पी लूँ क्या यार? मन बहुत कर रहा है बट मन नहीं लग रहा, एकदम बीमारी बीमारी जैसा मन कर रहा है, एकदम मूड एकदम तीखा तीखा सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है बस घर किसी तरह से पहुँच जाऊँ और उसके बाद रेस्ट करूँ बस। देखो स्थिति ऐसा है कि मुझे जो ये कार्ड है ये सबको देना है, पर इतना चले गए ये कॉलेज से, मैं खुद की शादी का कार्ड खुद ही सबको दे रही हूँ, सबको नहीं, कुछ लोग हैं जो जिनको नहीं दे पाया है तो टाइम भी कम है। तो सबसे पहले चाहिए प्रदीप भैया को देते हैं जब हमारे पड़ोसी हैं। मैं भी ब्लॉगिंग बंद कर देती हूँ, नहीं तो क्या बोलेंगे। एकता बोली थी कि दीदी मैं दे दूँगी, बट वो बार बार भूल जा रही है, तो मैं दे देती हूँ दीदी को पहले कार्ड। अच्छा भाभी नहीं है? है। एक बार उनको बुलाई, गेट उनकी सासू माँ ने खोला था और अभी भाभी आने वाली है, मैं उनको ही कार्ड दूंगी। मुझे बहुत शर्म आ रहा था बट मैं क्या करती, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो मुझे बहुत शर्म आ रहा था, मैं बोल रही थी कि भाभी शादी का कार्ड है, फिर वो बोलती किसकी, मैंने बोला मेरी। और यहाँ पे जो अंकल थे जो जिनको हम लोग सभी पंडित जी बोल के बुलाते थे, तो उनको उनका मैंने फर्स्ट टाइम ही नाम जाना, तो उनका नाम सुरेंद्र है, सुरेंद्र मिश्रा, वो हमारे साइड की ही है बिहार के, तो इसलिए मैंने उनको कार्ड दिया। अंकल बहुत हंसते हुए बोल रहे हैं थैंक यू। तो मैं शर्माते हुए वहाँ से निकल गई, मैं क्या ही बोलूँ, मुझे अजीब सा ही लग रहा है कार्ड शादी का कार्ड देते हुए, बताओ इतनी धूप में भी मैं दे रही हूँ अपनी शादी का कार्ड खुद ही। अभी देखती हूँ जिनको देना, बाकी तो इनका दुकान ही बंद है और इसमें नाम किसी और का लिखा हुआ है तो मैं नहीं दे सकती, कोई दूसरा। देखिए यहाँ पे नवीन भैया को एक तक कार्ड देने जा रही है, जाओ देखिए हाथ में कैसे लिखी है, हाथ फटा हुआ लिख दिए है। कैसे फाड़ी छटा? अरे फटिया था, पेन देखिए ग्लिटर पेन से लिखो ना। अब विद्या को स्कूटी नहीं मिलेगा, थैंक यू मैडम। हम लोग जा रहे हैं शादी का कार्ड चढ़ाने मंदिर में, हनुमान मंदिर, दादा मोटे मंदिर। ये देखो ये स्कूटी चला रही है, अब मैं अपनी पायलट वाली जॉब से रिटायर हो गई हूँ। मैं नहीं चला सकती स्कूटी। तो हम लोग जा रहे हैं कार्ड चढ़ाने भगवान को, चलिए देखते हैं। और ये स्कूटी थोड़ी ख़तरनाक है, इसका ब्रेक व्रेक काम नहीं करता, शायद सालों से सर्विसिंग नहीं हुई है। आराम से फोन गिरा तो मुझे मत कहना, कुछ नहीं करेंगे बस टॉर्चर करेंगे, जैसे तुम उनको एक दिन पूरा रॉक का टॉर्चर किया। किस चीज़ के लिए? अरे अरे ये अजीब है। हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं, अब चलते हैं। ये देखिए पंडित जी कार्ड चला रहा है।
हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी, ओके सॉरी, मुझे अभी क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। ओके अच्छा ठीक है, आप मुझे फिर कॉल करोगे एक घंटे बाद, थोड़ा मैं बिजी हूँ अभी, बाहर आई हूँ। ओह हम लोग चढ़ा लिए हैं मंदिर में कार्ड, अब जा रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं क्योंकि अभी अभी रास्ते पर भीड़ है ना, तो रिस्क नहीं लेंगे आराम से। अजीब है इनका स्कूटी, वाकई इनका स्कूटी बहुत अजीब है, ये ब्रेक मारती है, एक तो मैं एकता की जगह पे चली जाती हूँ और एकता नीचे चली जाती है स्कूटी पे। स्कूटी अरे क्या यार डराओ मत। पानी पूरी खाए, ठीक है पानी पूरी। पानी पूरी भी नहीं खिलाई एकता हमको, ले आइए मंदिर, टूटे वाले हाथ से वीडियो बना रहे हैं हम, फोन गिर जाएगा तो हमको ब्लेम करेगी कि हम फोन गिरा दिए इसका, अपना नहीं देखती है ये, कह दे कि मुझे आराम कर लो, लाओ तुम्हारे तेल वोल लगा दे, मालिश वालिश कर दे, हाथ पैर धो ले जा रहे, कम बात है क्या तुम? क्या बैठा के ले जा रहे हम भी तुम बहुत सिर्फ बिठा के ले जा रहे हैं जिस दिन हम भिड़े ऊपर से जीजू कह रहे हैं, संदीप जीजू कह रहे हैं कि तुम्हारी पायलट ठीक है, हमको पायलट बना दिए। बॉयज इक्वल्स टू उल्लू, अरे अरे भीड़ होगी क्या, एकता जा रही है कुछ लाने ऊपर से। हम लोग पहुंच गए हैं दीदी का कार्ड चढ़ाने के लिए दादा मोटे मंदिर, और यहाँ पर शायद डेकोरेशन हो रखा है, शायद किसी की शादी है या फिर कोई वेडिंग इवेंट है, तो देख लीजिए यहाँ पर शायद। ए मम्मी रुको मेरा एक्सीडेंट हो जाता है तो मेला लगा। अच्छा वही छोड़ने जाते हैं क्या? फिर हम उतरते वक्त क्या बोलते हैं, साक्षी टिकट ले लेना। हाँ साक्षी पहले आती थी तो टिकट लेके आती थी भाई, मैं सोचती हूँ पता नहीं क्यों इतना वेस्ट करती है पैसा। हाँ ये अब हम लोग जा रहे हैं साक्षी के घर, उसके घर कार्ड देंगे फिर हम आएंगे। साक्षी के घर पे ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाएंगे क्योंकि उसकी मम्मी अभी है नहीं और उसे बहुत सारा काम करना पड़ता है, और हम वीडियो बनाएंगे तो वो हम परेशान करेंगे, फिर वो गुस्सा करेंगे, फिर हमारी लड़ाई हो जाएगी ठीक है वेल देखते हैं क्या होता है। जा रहे हैं साक्षी के घर बहुत दिनों बाद, शायद एक साल बाद या डेढ़ साल बाद, पड़ोस भी रहती है फिर भी नहीं जाते।